हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो है मैं बहुत दिनों के बाद में ये वाला वीडियो बनाने जा रही हूँ जो कि है पीकू के बर्थडे सेलिब्रेशन वाला वीडियो, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि मतलब ये वाला वीडियो डालिएगा, बर्थडे सेलिब्रेशन वाला वीडियो डालिएगा। एंड बर्थडे के दिन भी जो है पीकू के लिए आप लोगों ने बहुत से लोगों ने काफ़ी सारे विशेष जो है कमेंट का बॉक्स में भेजे थे मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच इतना पीकू के लिए प्यार दिखाने के लिए एंड इतने सारे आपके विशेष के लिए, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी एक दिन लाइव आके आप सबसे प्रॉब्लम बताई थी कि क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से मेरे इतने दिनों से व्लॉग या कोई वीडियो नहीं आ रहे थे, तो वो जो प्रॉब्लम था कि मेरे मोबाइल में जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से जो है मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही थी, कैमरा शूटिंग में जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इस वजह से जो है मैं कोई वीडियो वगैरह पिछले दिनों से शूट नहीं कर रही हूँ एंड एडिट भी नहीं हो पा रहे हैं वीडियो जो मेरे पास शूट करके रखे थे। 5-6 वीडियोज जो है मेरे पास ऑलरेडी शूट करके रखे थे, बट वो एडिट भी नहीं हो पा रहे थे, मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से जो है एडिटिंग में भी प्रॉब्लम आ गई थी, एडिटिंग शूटिंग में हर चीज़ में जो है प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से जो है मैंने एडिट भी नहीं किया एंड वो जो मेरे वीडियोस थे वो उसके नुकसान हो गया है, मैं वो नहीं एडिट हो पाएंगे, तो इस वजह से। तो जो बर्थडे वाला जो दिन था उस दिन जो है सुबह पीको को जो है हम लोगों ने स्कूल वूल भेजा रेडी करा के, देन उसके बाद में दोपहर में जो है हम लोगों ने उसका अभिषेक किया था दूध से। हर साल हम लोग जो है उसका दूध और गुलाब जल के साथ जो है अभिषेक करते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा कोई मन्नत वन्नत नहीं है, बस ऐसी हमारी खुशी के लिए हम लोग जो है उसका दूध से दूध एंड उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालते हैं, क्योंकि हम जो बौद्ध है हम लोगों में गुलाब जल जो है पवित्र माना जाता है, हर चीज़ में जो है हम लोग गुलाब जल ऐड करते हैं, इस वजह से जो है हम लोग दूध में थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके उसका अभिषेक कराते हैं उसके हर बर्थडे में जो है। तो मैंने उसकी जो क्लिपिंग्स है थोड़ी सी शूट की थी मैंने, तो वो मैं इसके बाद में ऐड कर। रेडी कराया था जैसे कि मैंने आप लोगों को ड्रेसेस से पहले भी बताया था कि उसकी मामा ने जो है उसको गिफ्ट किया था एक ड्रेस जो कि था प्लाजो क्रॉप टॉप एंड उसके ऊपर एक जैकेट था वो पहनाया था हम लोगों ने। तो उसका जो है मैंने मेकअप वीडियो, मेकअप के बाद में जो एक लुक वीडियो जो है शूट करने का सोचा था, बट फिर से जो है मोबाइल मेरा चल नहीं रहा था तो मैं नहीं कर पाई, बट यहाँ पे जो है मैं उसका एक फोटो ऐड कर दूंगी कि हम लोगों ने उसके किस टाइप से मतलब उसको रेडी कराया था। एक मैंने सिंपल सी यहाँ पे एक छोटा सा मैंने उसको बन बनाया था एंड ड्रेस बनाया था एंड बस सिंपल सी तैयारी की थी, तो यहाँ पे फोटो उसका फुल वाला जो फोटो है वो ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। एंड उसके बाद में जो है बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, तो बर्थडे सेलिब्रेशन में इस बार डेकोरेशन जो था डेकोरेशन मैंने खुद ही कराया है, एक साइड में जो एक लड़की है उसके हेल्प के साथ किया था मैंने, बट जो थीम थी वो टोटली मेरे मतलब मेरे चॉइस की थी। मैंने जो है इस बार रेनबो थीम रखने की कोशिश की थी, मतलब हर साल हम लोगों ने अलग अलग थीम रखी है, फर्स्ट टाइम में जो है कुछ थीम नहीं थी क्योंकि सब जन ने इतने सारे घर में गेस्ट आए थे, सब लोगों ने मिल के घर में बर्थडे का डेकोरेशन किया था, तो कोई थीम वीम नहीं थी, बस ऐसी था, बस पीकू को हम लोगों ने परी बनाया था, फेरी टेल बनाया था हम लोगों ने फर्स्ट ईयर पहले बर्थडे में। सेकंड बर्थडे में भी जो था हम लोगों ने कोई थीम नहीं रखा, ऐसे ही बस डेकोरेट किया था, जिसके फोटोज जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो। थर्ड बर्थडे को जो था हम लोगों ने ब्लू थीम रखी थी, तो ब्लू थीम के हिसाब से पीकू को उसका बर्थडे केक, उसका ड्रेस एंड डेकोरेशन सब कुछ हम लोगों ने ब्लू थीम के हिसाब से किया था। तो फिर इस साल मैं सोची थी कि उन सारे तीनों भी इससे कुछ अलग किया जाए, तो इस वजह से इस बार जो है मैंने रेनबो थीम रखने की कोशिश की थी एंड रेनबो थीम के हिसाब से ही पूरी तरीके से डेकोरेशन हुआ था। तो उसकी जो है छोटी सी क्लिप मैंने ऐड की थी, डेकोरेशन वाली जो क्लिप है मैंने वो शूट की थी, तो वो मैं इसके बाद में ऐड कर लेती हूँ, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा।
उसके बाद में जो है केक कटिंग हो गई हुई थी एंड पूरा सेलिब्रेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से निपट गया था। एंड हम लोगों ने इस साल जो है घर में सेलिब्रेट नहीं किया था, टेरेस पे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि विवेक के फ्रेंड्स जो है काफ़ी सारे फ्रेंड्स इनवाइटेड थे एंड एरिया के लोग यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ के लोग एंड पीकू के जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके मम्मी लोग आए थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग आने वाले थे तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाता था, इस वजह से हम लोगों ने टेरेस पे सेलिब्रेट किया था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हुआ था, बस एक ही प्रॉब्लम हुई कि मैं शूट नहीं कर पाई, कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बट फोटोग्राफ्स जो है वो निकाले थे, हम लोगों ने फोटोग्राफर को बुलाया था, तो मतलब सारे फोटोज जो है मेरे पास है। तो इसके 1 या 2 दिन के बाद में जो है वो फोटोज वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर करूंगी। तो बस यही था एक छोटा सा, मैंने सोचा आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि मैं बर्थडे वाला व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूं, बट नहीं कर पाई थी। एंड पिछले कुछ दिनों से मतलब ऐसा कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पे कि मैं नहीं कुछ कर पाई, तो वो जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ दिनों में शेयर करूंगी, बट पहले सोचा कि आप लोगों के साथ बर्थडे वाला जो भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है वो शेयर कर लिया जाए इस वजह से। तो थैंक यू, अगर आप लोगों ने यहाँ तक, जो लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा है यहाँ तक देखा है तो एक एक लाइक भी कर दीजिएगा। एंड कैसा लगा है आप लोगों को मैंने जो डेकोरेट किया है, तो आप लोगों को मैंने जो डेकोरेशन किया था वो आप लोगों को कैसा लगा है ये मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।